जैन दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे मार्शल स्टिक फाइट पे। मेरा नाम है सिद्धू रन्ना। पहले तो नया साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है उंचू कुंफू के ऊपर। आज हम जानेंगे इस कुंफू के बारे में, इसको कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है और बहुत सारी कुंफू के बारे में बातें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि हम आज उंचू कुंफू के ऊपर बात करेंगे, उसका जो डाउपेज है या बेसिक जो तरीका है कैसे इसको प्रैक्टिस करें। तो आज मेरे साथ है प्रसन्न बड़ा, जो इस आर्ट को बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उंचू आर्ट को। तो आज हम इनके साथ ही प्रैक्टिस करेंगे, उंचू की जो बेसिक अटैकिंग है उसके ऊपर बात करेंगे और कुंफू की बहुत सारी बातें जो आप लोग को अभी तक नहीं मालूम होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे, अभी प्रसन्न जी एक बात बताइए, जो कोई भी मार्शल आर्ट करने से पहले जैसे हम बेसिक पंचिंग सीखते हैं, जैसे बॉक्सिंग में हो गया जो पंचिंग होता है, ऐसे हर किसी मार्शल आर्ट में पंचिंग होता है, तो उंचू का जो बेसिक पंच है इसके बारे में हमारे दर्शक को बताइए। अच्छा, उंचू का बेसिक पंच सीखने से पहले हमको ये क्या करना चाहिए, हमको उंचू का बेसिक स्ट्रेंथ सीखना चाहिए। बेसिक स्ट्रेंथ जैसा कि ऐसे हुआ, वन ये हुआ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद हमको पहले हमको सेंटर लाइन ब्लॉक सीखना है, ये वो सेंटर लाइन ब्लॉक, ये देखिए आप प्लस सेंटर लाइन ब्लॉक, सेंटर लाइन ब्लॉक है, ठीक है। ये सेंटर लाइन ब्लॉक कैसे सीख करते हैं, सेंटर लाइन ब्लॉक करते हैं। उसके बाद हम बेसिक पंच मारेंगे, बेसिक पंच पहले स्ट्रेट पंच सिंगल मारेंगे, ठीक है। ये हुआ वन टू थ्री, जैसे आपने देखा कि ये हम सेंटर लाइन गाइड करके उसके पास पंच करते हैं, वन टू थ्री। तो दोस्तों, जैसे कि अभी प्रसन्न जी ने दिखाया जो सेंटर लाइन ब्लॉक है, वो ब्रूस ली का टाओ ऑफ जितकों जो उन्होंने खुद लिखा हुआ किताब है उसमें भी ये बात बताया हुआ गया है कि जो फाइटिंग पोजीशन है उसमें हमेशा अपनी सेंटर लाइन को ब्लॉक करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेंटर लाइन ब्लॉक करके रखेंगे तो एनिमी आपका पास में नहीं आ पाएगा। तो सेम ये जो फॉर्मूला है वो उंचू पे भी यूज होता है। तो चलिए दोस्तों, पंचिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये जो उंचू जो आपने देखा ये उड़ान दमी है, इसके ऊपर भी बहुत सारी ऐसे ब्लॉकेज है या पंचेज है जो प्रैक्टिस किया जाता है। तो हम इस उंचू जो कुंफू है उसके ऊपर जो ये उड़ान मैन है उसमें कौन कौन सी ऐसा एप्लीकेशन है जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आज जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अभी हम करेंगे उड़ान दमी में जो बेसिक ब्लॉक एंड पंच प्रैक्टिस है। तो ये जो ब्लॉक एंड पंच का जो बेसिक ट्रेनिंग है उसका जो डाउपेस है, डाउपेस का नंबर है 4। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं कैसे करते हैं। पहले उड़न डमी प्रैक्टिस करने के लिए आपको उड़न डमी के पास आके एक बेसिक स्ट्रेंथ है, जैसा क्या ये जैसे मतलब उड़न डमी को सम्मान दे रहे हैं, इसका मतलब यही होगा ना। हाँ ठीक है, चलिए पोजिशन। पहले जो हम पंचिंग का पोजिशन लेते थे अभी ये पोजिशन हुआ, उसके हम यहाँ पे पंच और ब्लॉक प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला जैसा ब्लॉक है पक साओ, वन टू थ्री, लेकिन ये सेंटर लाइन करके ही जा रहा है, देखिए वन टू थ्री। दूसरा ब्लॉक है टन साओ, वन टू थ्री, उसके बाद पंच सिंह होगा, वन टू थ्री, इसे करके प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, प्रसन्न जी ने देखा है जो यहाँ पर जो ब्लॉक या पंचेस है वो सेंट्रल लाइन से जाता है, मतलब सेंट्रल लाइन से एंट्री होता है हर कोई ब्लॉक या पंच, ठीक है। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा स्पीड में, चलिए।
सीखा उनचुंग कुंफू के ऊपर थोड़ी सी जानकारी, आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसका जो नेक्स्ट सेशन है वो बहुत जल्दी आएगा, आशा करते हैं इस वीडियो से वीडियो को देख कर आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे मार्शल आर्ट फिटनेस और वेपन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पी एफ कॉम्पिटिव को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।